तो बॉलीवुड की तरफ से एक और रीमेक मूवी बन चुकी है। तो यारो, अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं बता दूं कि आज के दिन जो इन्हें रिलीज होने वाला है बच्चन पांडे यानी कि अक्षय कुमार की जो बच्चन पांडे नाम की मूवी है उसका ट्रेलर आज के दिन रिलीज होने वाला है यानी कि 18 फरवरी के दिन। और ये कितने बजे रिलीज होगा? ये रिलीज होगा 10:40 पर, जी हाँ 10:40 AM पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा इसका ट्रेलर यूट्यूब के ऊपर, तो फिर उसे देखना मत भूलना। लेकिन इस वीडियो में हम लोग प्रीव्यू करने वाले उसके ट्रेलर का कि हमें ट्रेलर से क्या क्या एक्सपेक्टेड है और तो और हमें मूवी से भी क्या क्या एक्सपेक्टेड है, इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें पता है इस मूवी के ट्रेलर के रिलीज होने से पहले, तो फिर उन्हीं सब पर जो है आज हम लोग चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो फिर अब चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो फिर देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो अक्षय कुमार की बच्चन पांडे नाम की मूवी है ना, ये है बेसिकली एक रीमेक यानी कि एक तमिल मूवी का रीमेक है जिसका नाम है जिगर ठंडा या फिर कहो तो जिगर ठंडा, जो भी नाम हो ये। लेकिन ये जो मूवी है ये बेसिकली एक रीमेक मूवी है यानी कि एक तमिल मूवी का रीमेक मूवी है। तो फिर आप समझ सकते हो बॉलीवुड की तरफ से एक और रीमेक। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी रीमेक मूवीज बेकार होती है, बिल्कुल नहीं, कुछ रीमेक मूवीज अच्छी भी होती है। हमने लक्ष्मी बॉम्ब भी देखा था जिसमें कि आपको देखने को मिले थे अक्षय कुमार ही, और एक और रीमेक आ रही है अक्षय कुमार की तरफ से, तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि इसमें भी उनका परफॉर्मेंस एकदम कमाल का हो। साथ ही साथ आपको इस मूवी के अंदर जो है ना देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार, कीर्ति सेनन, जैकलीन फर्नांडिस, अर्शद वारसी और पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा और भी बहुत ही सारे अच्छी खासी स्टार कास्ट देखने को मिल जाएगी। तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि जब इतनी अच्छी खासी टैलेंटेड स्टार कास्ट है एक मूवी के अंदर तो फिर मूवी में कुछ तो दम होगा, चाहे ये रीमेक हो चाहे हमें पता हो इसकी स्टोरी के बारे में या फिर ना पता हो, ये मूवी अच्छी तो होने वाली है क्योंकि इसकी स्टार कास्ट जो है ना एक काफी हद तक बहुत ही अच्छी ली गई है, जिसमें कि आपको अर्शद वारसी देखने को मिलते हैं जिनका रोल मुझे बहुत ही पसंद आता है। अक्षय कुमार की तो एक्टिंग भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, और कीर्ति सेनन की भी एक्टिंग बहुत ही अच्छी रहती है यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग काफी अच्छी रहेगी इस मूवी के अंदर। अब तो जब ये मूवी रिलीज होगी तब हमें देखने को मिलेगा कि आखिर सब लोग क्या करते हैं, उनका क्या रोल होता है, आखिर इसकी कहानी क्या होती है। लेकिन हाँ, कहानी से याद आया कि इस मूवी की कहानी क्या हो सकती है वो मैं आपको जरा बता देता हूँ, एक बहुत ही छोटे से पैराग्राफ में बता देता हूँ कि इसकी कहानी जो है ना बेसिकली ये रहेगी कि एक गैंगस्टर है जो कि बिल्कुल रफ एंड टफ का है, यानी कि गैंगस्टर है जो कि खुद के लिए रिस्पेक्ट चाहता है, खुद के लिए इज्जत चाहता है, अपनी सोसाइटी से पूरे समाज से जो है ना अपने लिए रिस्पेक्ट चाहता है, उसके लिए जो है ना वो कुछ भी कर सकता है। और उसे रास्ते में मिलता है डायरेक्टर यानी कि फिल्म डायरेक्टर। अब जो फिल्म डायरेक्टर है ना वो अपने अंदर कॉन्शियसनेस लाता है और चाहता है कि वो उस गैंगस्टर को फिल्म करे, जी हाँ उसके ऊपर जो है ना शूटिंग करे, उसके ऊपर फिल्म बनाए और फिर वो रिलीज कर दे। कुछ ऐसी इसकी कहानी रहने वाली है जो कि मुझे देखो पता तो है नहीं कि इसकी कहानी क्या होगी, लेकिन हाँ क्योंकि ये एक रीमेक मूवी है तो फिर जिगर ठंडा यानी कि इसकी जो ओरिजिनल मूवी थी उसकी कहानी बिल्कुल यही थी। हालांकि मैंने वो मूवी देखी नहीं क्योंकि वो तमिल में थी, मुझे तमिल आती नहीं है, तो फिर बच्चन पांडे की कहानी भी जो ना कुछ ऐसी रह सकती है कि इसमें भी गैंगस्टर हो जो कि अपने लिए इज्जत चाहता हो। अब तो हमें देखना पड़ेगा जब ये मूवी रिलीज होगी कि इसकी कहानी क्या है, कैसे लोग प्रोसीड करते हैं, कैसे हमें कॉमेडी देती है कि नहीं ये मूवी, क्योंकि इसमें अक्षय कुमार है यानी कि हमारे अक्षय पाजी, तो फिर देखते हैं अक्षय कुमार क्या कमाल कर पाते हैं हमारे लिए। तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप लोग इसके ट्रेलर के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, और अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर अभी तक देख लिया तो फिर ये भी बताना कि आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा, अक्षय कुमार की एक्टिंग कैसी लगी। तो फिर आप इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया।